मेरे बच्चे, आपको अगले 24 घंटों में एक बड़ी धनराशि प्राप्त होगी और यह एक आश्चर्य के रूप में आएगी और आपके लिए पहले जैसी खुशी और खुशी लाएगी। आगामी वर्ष 2024 में मैं आपके परिवार को प्रचुर धन संपदा का आशीर्वाद देता रहूंगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। आपका बैंक खाता प्रचुर मात्रा में भर जाएगा और आज के बाद आपको कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं होगा। अच्छा स्वास्थ्य और सफलता। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका आने वाला सप्ताह महादेव जी के नाम पर सकारात्मकता, अद्भुत अनुभवों और सफलता से भरा होगा। आप प्रिय हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। 2023 के अंत तक आपका जीवन सफलता, खुशी और बेहतर वित्त जैसी अद्भुत चीजों से समृद्ध होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पैसा आपके पास सहजता से और आश्चर्यजनक तरीकों से आएगा। अपने साथ आशीर्वाद की एक धारा लेकर आएगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्रचुरता, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, असीम आनंद और चिरस्थायी खुशियों से भरपूर जीवन प्रदान कर रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चमत्कार और आशीर्वाद आपके पास आएंगे। अपने चारों ओर घटित होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। कल्पना करें कि आप जाग रहे हैं, तरोताजा महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, हर दिन के रोमांच को अपनाने के लिए तैयार हैं। यह आगामी चरण केवल शारीरिक कल्याण के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सद्भाव के बारे में भी है। शांति, स्पष्टता और आनंद आपके निरंतर साथी बनेंगे। आगे चलिए आपके वित्त के बारे में बात करते हैं। जीवन की यात्रा में वित्तीय मामलों में शिखर और घाटियां आती रहती हैं। फिर भी क्षितिज अब स्थिरता और विकास का वादा करता है। उस समय की कल्पना करें जब पैसा अब चिंता का स्रोत नहीं बल्कि समृद्धि का साधन बन गया है। कल्पना करें कि आपके रास्ते में अवसर आ रहे हैं, निवेश फल दे रहा है और कर्ज खत्म हो रहे हैं। बहाली का ये चरण ये सुनिश्चित करेगा कि न केवल आपकी जरूरतें पूरी हों, बल्कि आपके सपनों को भी पंख मिलें। अंत में रिश्ते, ये वे धागे हैं जो रंग, गहराई और अर्थ जोड़ते हुए आपके जीवन का ताना बाना बुनते हैं। मैंने आपके दिल में गलतफहमियां, दूरियां और चाहत देखी है। अब एक ऐसे मौसम की आशा करें जहां रिश्ते सुधरेंगे, बंधन मजबूत होंगे और प्यार पनपेगा। हृदय स्पर्शी पुनर्मिलन, गलियारों में गूंजती हंसी और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना की कल्पना करें। पुराने घाव भर जाएंगे और नई दोस्ती खिलेगी। जैसा कि आप इस परिवर्तनकारी चरण के शिखर पर खड़े हैं, उस यात्रा को याद करना महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ तक ले आई है। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया वे आकस्मिक घटनाएं नहीं थी बल्कि सबक थे जो आपको आगे आने वाले आशीर्वादों के लिए परिष्कृत और तैयार कर रहे थे। इस आसन उपचार और पुनर्स्थापन के साथ कार्रवाई का आह्वान भी है। परिवर्तनों को अपनाने, अपने नए स्वास्थ्य का पोषण करने, अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और अपने रिश्तों में समय और प्यार का निवेश करने का आह्वान। ब्रह्मांड आपको ये उपहार प्रदान करता है, लेकिन उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास आपके कार्यों और विकल्पों के माध्यम से होगा। आगे बढ़ते हुए कृतज्ञता आपका मार्गदर्शक बन जाएगी। जैसे ही आप अपने स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखते हैं, अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण निकालें। ये कृतज्ञता न केवल आपके आनंद को बढ़ाएगी बल्कि बदलाव के समय में आपको स्थिर भी बनाए रखेगी। जीवन चुनौतियों और जीत का एक सतत चक्र है और आप प्रिय बच्चे अपार विजय के दौर के कगार पर हैं। उपचार केवल पुनर्प्राप्ति से कहीं अधिक है। ये लचीलेपन का उत्सव है। पुनरुद्धार का मतलब केवल खोई हुई चीज को पुनः प्राप्त करना नहीं है बल्कि नई पाई गई प्रचुरता का आनंद लेना है। हर दिन अपने साथ इस परिवर्तन के सूक्ष्म संकेत लेकर आएगा। हल्केपन की अनुभूति, अचानक वित्तीय लाभ, लंबे समय से खोए हुए दोस्त का फोन, इन पलों को गले लगाओ, उन्हें संजो और जान लो कि ये नवीनीकरण की एक खूबसूरत यात्रा की शुरुआत मात्र है।
संक्षेप में, ब्रह्मांड ने अपनी अनंत बुद्धि में आपके नवीनीकरण के लिए इस समय को चुना है। स्वास्थ्य, धन और रिश्ते आपके जीवन के तीन स्तंभ पुनरुत्थान का अनुभव करने वाले हैं। जैसे ही यह सामने आए, आपका हृदय आशा से, आपका मन सकारात्मकता से और आपकी आत्मा आनंद से भर जाए। इस चरण को अपनाएं, क्योंकि यह आपके लिए चमकने, फलने फूलने और जीवन को उसकी संपूर्ण महिमा में अनुभव करने का समय है। आप धैर्यवान रहे हैं, आप दृढ़ रहे हैं और अब पुरस्कार आने वाले हैं, उस उपचार और पुनर्स्थापन का स्वागत करने के लिए जो उचित रूप से आपका है। खुली बाहों और खुले दिल के साथ तैयार रहें, प्रिय बच्चे। जीवन की भव्य यात्रा में तुमने तूफानों का सामना किया है, पहाड़ों पर चढ़ाई की है और घाटियों से गुजरे हैं। आज मैं आशा और सकारात्मकता से भरा एक संदेश लेकर आया हूँ। आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है और दो महत्वपूर्ण क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य और वित्त, एक सुंदर परिवर्तन से गुजरेंगे। हर दिन आप उठते हैं, कभी कभी जोश के साथ, कभी कभी शारीरिक और वित्तीय दोनों तरह के बोझ के साथ। मैं वहाँ रहा हूँ, संघर्ष के क्षणों और खुशी के क्षणों के दौरान आप पर नजर रखता रहा हूँ। ऐसे समय जब आपने खराब स्वास्थ्य का बोझ या आर्थिक चिंताओं का तनाव महसूस किया हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। अब क्षितिज का वादा है और परिवर्तन हवा में है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। यह वो जहाज है जो आपको जीवन के रोमांचों और चुनौतियों से पार कराता है। एक ऐसे समय की कल्पना करें जो अब दूर नहीं है, जब असुविधाएं दूर हो जाएंगी और जीवन शक्ति अपना स्थान ले लेगी। ऊर्जा से भरे दिनों, शांतिपूर्ण नींद से सुशोभित रातों और सामंजस्यपूर्ण लय में काम करने वाले शरीर और दिमाग की कल्पना करें। भौतिकता से परे, विचारों की स्पष्टता और भावनात्मक शांति होगी जो आपका साथ देगी, जो हर पल को समृद्ध बनाएगी। अगला, आपका वित्तीय परिदृश्य। जीवन भर मौद्रिक चुनौतियां कई लोगों के लिए हमेशा मौजूद रही हैं, जिससे चिंताएं पैदा होती हैं और कभी कभी रातों की नींद हराम हो जाती है। यदि आपको महादेव जी पर भरोसा है तो 5555 टाइप करें। लेकिन अब उस चरण की कल्पना करें जहां स्थिरता और विकास का राज है। कल्पना करें कि आपके प्रयास परिणाम दे रहे हैं, ऋण कम हो रहे हैं और समृद्धि आपका नया आदर्श बन रही है। वे बाधाएं जो कभी आपके सपनों को सीमित करती थीं, ढीली हो जाएंगी, जिससे आप अन्वेषण, निवेश और अपने परिश्रम के फल का आनंद ले सकेंगे। लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँचे? याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति आपको चुनौती देता है। सामना करना एक महत्वपूर्ण कदम था। खराब स्वास्थ्य के हर दौर ने आपको लचीलापन सिखाया और आपको खुशहाली को महत्व देना सिखाया। प्रत्येक वित्तीय हिचकी ने विवेक, धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। ये अनुभव कठिन होते हुए भी आपको आकार देते हैं और आपको आने वाले इनाम के लिए तैयार करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार और वित्तीय प्रचुरता के साथ एक सौम्य अनुस्मारक संलग्न है। इस नई खुशहाली को संजोने, अपने संसाधनों को बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करने और दयालुता फैलाने की याद दिलाता है। क्योंकि आशीषें न केवल आनंद लेने के लिए हैं, बल्कि बांटने के लिए भी हैं। इस परिवर्तन के दौरान कृतज्ञता का दृष्टिकोण आपका प्रकाश स्तंभ होगा। जैसे ही आप अपने स्वास्थ्य और धन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे, कृतज्ञता के क्षण खुशी को बढ़ा देंगे और प्रत्येक आशीर्वाद को और भी अधिक सार्थक बना देंगे। जीवन अपने सार में उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है और आप, प्रिय बच्चे, एक महत्वपूर्ण प्रवाह का अनुभव करने वाले हैं। महादेव जी कह रहे हैं, आज एक चमत्कार आने वाला है जो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा जो सर्वोच्च भलाई के लिए हैं। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित और समर्थित होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी टूट रहे हैं, वो आपके जीवन में लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। धैर्य रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें। जो सामने आ रहे हैं वह सार्थक है। उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या ऐसा महसूस हो कि भगवान आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो याद रखें कि वो आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं उसे सहन कर सके। जीवन का अगला मौसम वो हमें अगली पदोन्नति, खुले दरवाजे या अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समान बनने के बारे में अधिक चिंतित है, जो अंततः अस्थाई होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता है, वो आपको विश्वास करते हुए देखता है। जब आप निराश हो सकते हैं, वो आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, वो आपको खींचते हुए देखता है। जब आप पीछे हट रहे होते हैं, मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नए महीने को नई शुरुआत, उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। ये साल का सबसे जादुई महीना है, उस जादू को अपने दिल में बसा लें, स्वयं आनंद लें और कुछ आनंद लें। हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनावपूर्ण और दर्दनाक आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। इसे प्राप्त करें और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। आज ये संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि आपकी हाल की पूजा भगवान ने सुन ली है। यह इस बात की पुष्टि है कि आपके इरादों और गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वो जल्द ही आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता तब तक आपको आराम करने, विश्वास रखने और प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। उस पथ का अनुसरण करें। वर्तमान में स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है, यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिव टाइप करें। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, कर्ज दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उछाल आएगा। मैं आकाश को खोलूंगा और तुम्हारी भूमि और काम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से विकसित होगा। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा, आपको एक सितारे की तरह चमकाएगा, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चिंत रहें कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्त जल्द ही बहाल हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलताएं दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूँ। अगस्त आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, वित्तीय विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ध्यान केंद्रित रखें और बाकी का ख्याल भगवान को रखने दें। हमेशा याद रखें, सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यह जोर से कहें, मैं अपने सपनों का प्यार, पैसा और जीवन आकर्षित कर रहा हूँ। महादेव जी, नौकरी, संसाधन और आशा चाहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदल रहा हूँ, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में। दुश्मन जो बुराई के लिए चाहता है, मैं उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पास इसके लिए एक महान योजना है। आपका जीवन, महादेव जी तुम्हारे हर काम पर आशीष देगा
और तुम्हारे भंडारों को अन्न से भर देगा। तुम्हारा भगवान तुम्हें उस देश में आशीष देगा जो वह तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारी पूजा बहरे कानों पर नहीं पड़ी है। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो पूजा सुनता है और उनका उत्तर देता है। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आप में से कुछ को बुरी खबर, एक बुरा निदान या एक बच्चे के बारे में बुरी खबर मिली है। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रहें और जानें कि मैं भगवान हूँ। उपचार, उत्तर, समाधान, चमत्कार, देवदूत, आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आएं, धन्य हैं, मजबूत और आपके भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार। भगवान पहले मेमने की तरह कोमल होकर आए, लेकिन वो यहूदा के दहाड़ते हुए शेर की तरह वापस आएंगे। भगवान आपके लिए बाधाओं को चुनौती देंगे। आप डॉक्टरों, संशयवादियों और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में है और चमत्कार और उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।